अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग सबको वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। मैंने आप लोगों से थोड़ा सा अर्ली जो है मुखातिब करना था, यानी मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले बुला लिया। रीज़न यही थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने आज चूंकि चैप्टर नंबर 7 के हवाले से जो टॉपिक रह गया था उसको भी कम्प्लीट करना है। सो आज हमारा टारगेट जो है चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे उनको भी कम्प्लीट करना और चैप्टर 8 को भी समराइज करना है, उसको भी हमने देखना है, उसको भी हम जो है ब्रीफ करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, हमारा जो है आज भी टेस्ट होगा, लेकिन ये है कि चूंकि आप लोग जो है इस बारे में कह रहे थे कि हमें कुछ टेस्ट में ज़रा टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए, सो आज आप लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हम जो है बढ़ा देंगे आप लोगों का कि ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम मिले, आप लोग टेस्ट जो है वो कम्प्लीट कर सकें। एक और न्यूज़ भी है और वो जल्द ही अनाउंस भी हो जाएगी ऑफिशियल तौर पर कि आप लोगों का टेस्ट सेशन जो है वो भी स्टार्ट हम करने जा रहे हैं फ्रॉम 1 जून। 1 जून को ऑनवर्ड हम आप लोगों का जो टेस्ट सेशन है वो आगाज़ उसका कर देंगे, उसको जो है हम आपके लिए लॉन्च कर देंगे। आप लोगों की रिवीजन होगी विद टेस्ट, तमाम के तमाम जो फर्स्ट ईयर के आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उसके भी और इवन पार्ट टू के भी। ठीक है, सो हम जो है जल्दी से अब जो है चलते हैं उन टॉपिक्स पे कि जो हमने लास्ट टाइम छोड़े थे चैप्टर नंबर 7 के, उनको हम पहले करें फिर हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करें। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप के हवाले से कोई बात नहीं की थी, फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक जो है वो रह गया था। सो मैं आज आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करवाऊंगा और फंक्शनल ग्रुप के हवाले से थोड़ा बहुत बताऊंगा और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम जो है किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक कंपाउंड यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी हमने बात पढ़ी हुई थी, कल भी बात डिस्कस की थी कि उनमें कुछ समहाउ बिहेवियर में सिमिलरिटी आती है जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जब भी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैरी करेगा तो वो एक होमोलोगस सीरीज बनाएगा। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कि जो क्या करे, जो स्पेशल किस्म की या खास किस्म की प्रॉपर्टीज असाइन करे किसी कंपाउंड को, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट असाइन, हाँ अब देखें, ठीक है जी। सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी इस वक्त, अब हम जो है अपनी स्मूथ वे के अंदर आ चुके हैं, वॉइस का इशू भी जो है आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। मैं आप लोगों से एक तो सलाम कर रहा था और आप लोगों को वेलकम कर रहा था आज के लेक्चर के अंदर। मैं आपको बताऊं कि हमने लेट स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट होने की सिर्फ रीज़न ये थी कि सर्वर इशू था, सर्वर प्रॉब्लम था जिसकी बुनियाद पर जो है आप लोगों तक हम नहीं पहुँच पा रहे थे, वो ठीक हो चुका है। तो अब हम जो है अपने लेक्चर को स्मूथ वे के अंदर आगे लेके चलेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो है उसे भी कंप्लीट करना है और उसके साथ जो चैप्टर नंबर 8 है उसको भी आज हमने समराइज करना है। सो स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप है क्या, देखो मैंने जो है अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो मैंने कल समहाउ आप लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ किया था जब हमने होमोलोगस सीरीज की बात की थी, हमने कहा था सिमिलरिटी इन बिहेवियर होती है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। रीजन क्या होती है, देखो मैं अगर बात करता हूं किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक होमोलोगस सीरीज डेवलप करता है किस बेस पर, कि अगर उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जो उसे स्पेशल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो किसी एक कंपाउंड को कोई स्पेशल किस्म की कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज असाइन करेगा, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड करनी है, जस्ट हम पहले जो है इसको समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एटम ग्रुप ऑफ एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट गिव द स्पेशल प्रॉपर्टीज टू अ स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम जो है आगे मूव कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं, सो अल्कोहल जो है सवाल से हम कहते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, या जनरल फार्मूला मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो है अंदाजा हो जाए, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो है ROH, मींस के जब भी किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ मैं OH ग्रुप लगाऊंगा सो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो अल्कोहल कहलाएगा। अल्कोहल जो है हम कहते हैं कि ये बनेगा, ठीक है जी, यानी जब भी CH3 या CH3CH2 या CH3CH2CH2 है उसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, OH ग्रुप लगेगा, तो जो कंपाउंड होगा इसको हम अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम ईथर की बात कर लेते हैं, सो हम कहते हैं कि ईथर क्या है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लगा होता है, ऑक्सो ग्रुप लगा होता है, ये जनरल फार्मूला है फॉर ईथर। फंक्शनल ग्रुप इसका जो है वो कुछ ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये होगा
हम कहते हैं जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा अल्काइल ग्रुप के साथ तो अल्कोहल है, जब भी ऑक्सीजन लगा होगा इन बिटवीन द टू अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, तो ये ईथर है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वो क्या है, ऑक्सालिक एसिड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगेगा तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें हम कहते हैं ये जो इस इन कंपाउंड्स की कुछ स्पेशल किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप की बेस पर होती हैं। जब भी किसी अल्काइल ग्रुप में ये ग्रुप आ गया तो हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर होगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं ये अल्कोहल था, ईथर था, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से एस्टर की बात कर लेते हैं। So, एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या है भाई, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है, समहाउ ये बल्कि इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, हम यहां मेंशन कर लेते हैं आर को, ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर, ठीक है, इसमें कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा जब भी हमारे पास क्या होगा कार्बन कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन और कोई डायरेक्टली तौर पर अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो इस तरह का ग्रुप जब भी किसी कंपाउंड के अंदर होगा उसे हम एस्टर का नाम देंगे, ठीक है। सो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब भी हम कहते हैं कि ये किसी स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप के साथ आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है या एटम है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या करता है, उस कंपाउंड को स्पेशल किस्म की करेक्टरिस्टिक्स असाइन करता है, देता है, प्रोवाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है वो अल्कीन के लिए हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन के लिए हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा आर सी एच, डबल बॉन्ड सी एच और आर, ठीक है। इस तरीके से अल्काइन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर, ठीक। इस तरीके से जो है हमारे पास और भी बहुत से कंपाउंड, जैसे कि हम कहते हैं कीटोन है, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स हैं, इस हवाले से हम अगर देख लें तो कीटोन्स हैं, कीटोन्स के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और आर, यानी कि अल्कार्बोनल कार्बन जो है इटसेल्फ ये एक्ट करता है एज अ फंक्शन तौर पे, ठीक है, और कीटोन जो है उसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड की जहां तक बात है तो हम कहते हैं ये उसका फंक्शनल ग्रुप है, यानी जिसमें हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन के एक तरफ मस्ट है कि एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो, लगा हुआ हो, ठीक है, इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। सो एल्कीन्स, अल्काइन्स, कीटोन, ठीक है, इस तरीके से एल्डिहाइड, ठीक है, और इस तरह से बहुत से, यूरिया का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सो भी हम देख लेते हैं। वैसे तो आप यूरिया के बारे में आप जानते हैं कि ये है क्या, समहाउ एक स्पेसिफिक कंपाउंड है और अमाइड लिंकेज इसके अंदर होती है, ठीक है, NH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, ठीक है। सो ये होती है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एक ग्रुप है इसको हम अमाइड लिंकेज का नाम देते हैं, अमाइड ग्रुप कहलाता है। सो ये हमारे पास समहाउ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, हम कहते हैं, बता दिया जान आपको ना ये यूरिया का, ठीक हो गया। सो मैंने आपसे कहा कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है जब किसी एक कंपाउंड के अंदर आते हैं तो उसे स्पेशल किस्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स असाइन करते हैं, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, इसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। एक जो है टेबल आपकी बुक के अंदर मौजूद है, सो उस टेबल को जरूर आप लोग जो है रीड आउट करेंगे, इसको आप जो है थॉरली तौर पर जो है पढ़ेंगे। उसमें एसिड एल्डिहाइड, जैसे मैंने अभी जो है वो डिस्कस नहीं किया, एसिड एल्डिहाइड है, एसिड अमाइड है, ठीक है, ये वो ग्रुप है, यानी अमीन है, ठीक है, अमाइन है, ठीक है, ये आपने देखना है इसको, एसिड एनहाइड्राइड है, थायो अल्कोहल है, अल्काइल साइनाइड है, या जो हमारे पास लास्ट नाइट्रो अल्केन, ठीक है। सो ये आप तमाम चीजें देखिएगा, इसको आपने जरूर जो है, मैं ठीक हूँ, ठीक है जी, इसको आपने जरूर जो है देखना है, थॉरली टॉपिक जो है अपने पास इसको जो है मार्क कर लेना है, ठीक है, इसको आप देखेंगे, ठीक हो गया। सो ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी असाइन करे, इसे हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। एक और चीज हमारी रह गई थी, वो हमारे पास क्या था, वो बेसिक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, हमने वो पार्ट वन में कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को कर दूंगा। हम एक कंपैरिजन डेवलप कर लेते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोवाइड की गई हैं, हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल्स हमें मीथेन ईथेन और ईथीन जो है हमारे पास मीथेन ईथीन और इथान की एग्जांपल्स प्रोवाइड की गई हैं।
हम इनको समराइज कर लेंगे, ठीक है। इनके साथ जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे, और हम जो है इनके साथ जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक हो गया। सो अगर हम बात एक छोटा सा टेबल छोटा सा बना लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए कि हम इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, क्या हम जो है बात इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो डिस्कस करना है, तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो इन्हीं को ही हम जो है यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। सी sp3 है, sp2 है और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है हम इस वक्त डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, मैं जो है इस वक्त एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जब हम sp3 की बात करते हैं, सो इसके अंदर हमारे पास शेप क्या आती है, इसमें वैसे तौर पे हमारे पास जो शेप आती है ये टेट्राहीड्रल शेप हम कहते हैं कि हम जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहीड्रल शेप होती है, अनटिल अनलेस के उसमें कोई जो है लोन पेयर ना आ जाए। आपने देखा था कि अमोनिया की हमने एग्जाम्पल वहां देखी थी NH3 के अंदर, सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था और वो लोन पेयर क्या करता है कि वो समहाउ एंगल को डिस्टॉर्ट कर देता है, तो समहाउ उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो टेट्राहीड्रल शेप बनती है, ठीक है भाई। टेट्राहीड्रल शेप बनती है। और अगर हम बात करते हैं sp2 की, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है, ठीक है जी। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, प्लेनर शेप, ठीक हो गया। ये चीज डेवलप होगी जी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम कहते हैं लीनियर शेप डेवलप होती है, लीनियर शेप डेवलप होती है, ठीक हो गया, ठीक है। लीनियर शेप डेवलप होती, तो हमने शेप के हवाले से बात की है कि sp3 के अंदर टेट्राहीड्रल शेप है, sp2 के अंदर जो है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, sp के अंदर हमारे पास लीनियर शेप होती है। जहां तक एंगल की बात है, हम एंगल भी मेंशन कर लेते हैं अपने पास कि एंगल के हवाले से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तमाम के जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को लेते हुए हम कहते हैं कि जी यहां पर बनता है 109.5। मैंने आपसे शुरू में ये बात डिस्कस की कि अगर जो हम जो है ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, तो फिर तो ये बनेगा। अगर लॉन पेयर आ गया तो वो लॉन पेयर जो है इस एंगल को डिस्टर्ब करता है। मैंने आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड की थी, वाटर की है, इसमें हम देखते हैं 104.5 हो जाता है। अमोनिया की एग्जांपल हमने ली भी है जिसमें हमारे पास 107.5 आ जाता है, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें एंगल हमारे पास होता है 120 का, और यहां पर एंगल लीनियर है, तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा 180 का, ठीक है जी। 180 का एंगल हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया। सो हमने कंपैरिजन एक डेवलप किया कि sp3 में क्या होगा, sp2 में क्या होगा, और sp के अंदर हमारे पास क्या होगा। सिग्मा बॉन्ड और जो है पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। हम इस वक्त जो कंसिडर कर रहे हैं वो यहां मीथीन कंसिडर कर रहे हैं, इथीन कंसिडर कर रहे हैं और इथाइन कंसिडर कर रहे हैं, उस हवाले से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है। सो हम सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे sp3 के अंदर। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहां पर चार होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा जी, 5, यानी क्योंकि हम इथीन की मैं भी देता हूं, मेंशन कर देता हूं यहां पर कि हम इस वक्त जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात कर रहे हैं। यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल CH4 की, और यहां पर हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड CH की, ठीक है जी। सो आप देख रहे हैं कि दो बॉन्ड जो है सिग्मा ये हैं, दो सिग्मा बॉन्ड ये हैं और एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड यहां पर होंगे, ठीक है जी। 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे इन केस ऑफ इथाइन यानी sp। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं, सो पाई बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, यहां पाई बॉन्ड नहीं होता क्योंकि हम sp3 की बात कर रहे हैं। तमाम के तमाम हमारे पास जो है जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड की डेवलपमेंट नहीं करते। 0 पाई बॉन्ड होगा इसमें। इसकी अगर हम बात करते हैं sp2 की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड 1 होगा, और sp की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। सो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन था जिसके थ्रू हम देखने लगे हैं कि हमारे पास सिंपली तौर पे डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sp3 sp2 एंड sp, ठीक है। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, एक ब्रीफ जो है मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इससे ऑनवर्ड हम चलेंगे, और मैं आप लोगों को समहाउ आइसोमेरिज्म के हवाले से डिस्क्राइब करूंगा कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, हम आइसोमेरिज्म के हवाले से ब्रीफ करेंगे, ठीक है जी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करें, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की हम जहां तक बात करते हैं, तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये है क्या, और सर 5 कैसे होंगे सिग्मा बॉन्ड की पूछ रहे हैं यहां पर, तो CH
एच, डबल बॉन्ड सी एच और ये एच, ठीक है भाई। तो इसका रखना था, अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा तो इस पे हम जरा फोकस कर लें, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दो हो गए, तीन चार ये पांच, और ये एक पाई बॉन्ड है। सो हम सिंपली ये कह रहे थे कि पांच सिग्मा बॉन्ड और एक जो है पाई बॉन्ड होगा। सर आप sp3 में मीथेन देखो, sp3 में मीथेन की बात हमने की थी, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड चार होते हैं सर, sp2 में तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। sp2 में तीन सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं भाई, देखो ना, काउंट करो ना, एक दो तीन चार और ये पांच, छठा जो है हमारे पास पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक हो गया। और चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा अभी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे कासिम, पूरी जो है हिम्मत लगाएंगे, सो हो जाएगा, ठीक है भाई। मूव करें आगे, नेक्स्ट चले आगे। रीशा कह रही है सर sp2 में तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, देखो sp2 की मैंने बात की ना, sp2 देखो मैं आपको बता दूं, sp हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल बॉन्ड बनता है, sp2 के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि भाई हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा, और sp में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो हम डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए इस वक्त ओवरऑल डिस्कशन कर रहे थे, जो एग्जांपल आपकी बुक में प्रोवाइड की हुई उसको मैंने समराइज किया, ठीक है, हो गया अभी। नेक्स्ट चले आगे, चले 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 चले, भागे भागे भागे, ठीक है। अच्छा सो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे से जो है आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है भाई। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम कहते हैं भाई आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स यूनिट, इसको कहते हैं मर, ठीक है, मीन्स यूनिट, ठीक हो गया। हम कहते हैं आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स यूनिट, ठीक है जी। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक तौर पर, ठीक है, ये यूनिट है, यानी कि हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स के जिनका जो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर्स जो हैं हम कहते हैं कि वो डिफरेंट शो करते हैं, इसको हम आइसोमेरिज्म का फिनोमेना कहते हैं। ट्राइगोनल को पैरामिडल नहीं कहते, देखो ट्राइगोनल को पैरामिडल नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, क्योंकि देखो ट्राइगोनल के अंदर 120 के एंगल बनते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड की थी, आप सिंपल BFE की एग्जांपल ले सकते हैं, ये बिल्कुल एक जो है हम कहते हैं समहाउ क्लियर कट एग्जांपल है किस चीज की, ट्राइगोनल शेप की, ये एक ट्राइगोनल शेप है, ठीक है। पैरामिडल शेप क्या होती है, पैरामिडल शेप कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की एग्जांपल होती है, इस तरह से होता है, ठीक है, पैरामिड टाइप का जो हमारे पास बनता है, ठीक हो गया, उसमें एक और बॉन्ड ऊपर चाहिए, ठीक है। अच्छा सो इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज के हवाले से, अगर मैं जो है आप लोगों को डिस्क्राइब करूं, मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ठीक है, ये वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके जिनके कोई भी आइसोमर नहीं होते, नो आइसोमर, ये आपने अपने पास मेंशन करना है, आइसोमर, ठीक है, कोई आइसोमर इनका नहीं होता, ठीक है, इनका इनका कोई आइसोमर नहीं है, ठीक हो गया ना। सो इस हवाले से हम कहते हैं कि इनका कोई आइसोमर नहीं होगा, ये जो है एज इट इज सिंगल फॉर्म के अंदर होते हैं, इनके डिफरेंट जो है हम कहते हैं शेप्स बन नहीं सकती, ठीक हो गया, हम कहते हैं कि शेप डिफरेंट बनेगी नहीं। और बाकी जो है यहाँ पर NH3 की एग्जांपल साथ में प्रोवाइड की, मैंने आपसे कहा कि जब लोन पे आ जाएगा ना तो समहाउ वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, शेप को डिफरेंट कर देगा, सो वो डिफरेंट होता है समहाउ, ठीक है जी। अच्छा मैंने आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर किया था, अगर जो है आप लोगों ने वो टेबल देखा हो, कल मैंने आप लोगों को जो है एक टेबल अपलोड किया था अपने प्रोफाइल के ऊपर, आपने देखा होगा, मैंने उसमें आप लोगों के सामने जो है एक टेबल के अंदर मेंशन किया था कि चार अगर कार्बन होंगे तो कितने हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, पांच होंगे तो कितने बनेंगे, छह होंगे तो कितने बनेंगे, ठीक है, ये आप लोग खुद भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। संभव मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की भाई, C4 अगर हम जो है इसको जरा राइट कर लें, C4H10, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसके दो आइसोमर्स बन सकते हैं, मैंने आपसे कहा था चार कार्बन हो तो दो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा स्ट्रेट और एक बनेगा हमारे पास आइसो या सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं, ये ठीक है, सो ये दो आइसोमर्स बन सकते हैं, बल्कि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कार्बन डाल दिए, ये बेसिकली, ठीक है जी, ये बन सकते हैं दो आइसोमर्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके सिर्फ दो बन सकते हैं, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट आप बना नहीं सकते, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि
जब भी हमारे पास क्या होंगे पॉसिबल नंबर ऑफ यानी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, उसके बेस पर हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट मुमकिन है, पॉसिबल हो सकती है। सो उस बेस पर जो है हम देख रहे हैं यहां पर कि दो बनते हैं इस तरीके से, जो हमारे पास पांच कार्बन कंटेनिंग है इसमें हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स तीन बन सकते हैं। जल्दी से मैं बना के दिखाऊंगा, फिर हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ठीक है जी। सो पांच वाले की बात कर लेते हैं, सी फाइव एच कितना हो जाएगा, ये 12, ठीक है, चूंकि हम सी एन एच टू एन प्लस टू की बात करते हैं, मैं भी आपको जो है उसमें बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट जो है जब हम जाएंगे चैप्टर के अंदर, इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ जो कह सकते हैं अरेंजमेंट बन सकती है वो पांच है, एक दो तीन चार और ये पांच, एक हो गया हमारे पास ये जो सिंपली हमारे पास क्या होता है एन पेंटेन होता है, नॉर्मल पेंटेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास क्या हो सकता है, ये बन सकता है, ठीक है भाई, एक दो तीन चार पांच, पांच हो, इसको आइसो पेंटेन कहते हैं। और एक हमारे पास जो शेप बन सकती है इसकी वो कुछ इस तरह से, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक नियो का क्वेश्चन आया था कि ये नियो क्यों होता है, तो मैं अभी ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में ही नॉमेनक्लेचर के अंदर। ये इसको नियो भी कह सकते हैं, टर्शियरी भी कह सकते हैं, समहाउ ये तीन हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सर नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने का जनरल फार्मूला नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जब भी जो है यहां पर एक क्वेश्चन और भी है, एक और क्वेश्चन भी है, इसको भी हम ले लेते हैं जल्दी से। अच्छा वकार कह रहे हैं सर टू की पावर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस फोर प्लस वन, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से कोई फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है देख लेते हैं इसको, बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, कितने हैं भाई, पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास हैं ये तीन, ठीक है, तीन आइसोमर्स बनते हैं। मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का ऐसा जो है जनरलाइज फार्मूला नहीं है, ठीक है, हम जो है इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि मल्टीप्लाइड फॉर्म के अंदर ये इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ का जो है आइसोमर्स जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म के अंदर इंक्रीज करते हैं। अगर हम जो वकास का फॉर्मूला जो उसने वकार आई थिंक वकार ने जो है मेरी कल की पोस्ट भी आई थिंक कोई फॉर्मूला शेयर किया था तो उसमें कुछ गड़बड़ थी, ठीक है, वो मेंशन भी उसने किया हुआ है टू की पावर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस फोर, ये अगर आप देख भी लें टू की पावर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस फोर ये मेंशन कर रहे हैं, आई थिंक यही वो फॉर्मूला शेयर करना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। इसको अगर आप अप्लाई कर भी लेते हैं सो प्लस वन, ठीक है जनाब, सो ये वो कह रहे हैं कि प्लस वन, ठीक है, ये उनका फार्मूला जो वो हमसे शेयर करना चाह रहे हैं, अप्लाई करते हैं अभी इसको, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास थे पांच और हमने देखा कि नंबर ऑफ आइसोमर्स जो थे वो तीन बन गए, तीन डेवलप हो गए, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। सो टू रेज टू पावर फाइव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे माइनस फोर प्लस वन, अब ये क्या होगा, टू 5 माइनस फोर विल गिव अस 1 एंड प्लस 1 इज इट इज इक्वल टू 3, एग्जैक्टली ये तो काम कर रहा है, वर्केबल है, 2 प्लस 1 विल गिव अस 3, अप्लाई करते हैं 7 कार्बन एटम्स के ऊपर, सो अगर 7 कार्बन एटम्स पे अप्लाई करें तो 2 रेज टू पावर 7 प्लस सॉरी माइनस 4 प्लस 1, इसको अगर हम देख लें तो ये बनता है 2, 7 माइनस 4 विल गिव अस 3 प्लस 1, और ये हमारे पास क्या होगा, ये 8 हो जाएगा प्लस 1, ये 9 होना चाहिए। सो मैंने कल आप लोगों से जो टेस्ट किया था एग्जैक्टली वही है कि जिसमें मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स अगर 7 हो तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो 9 बनते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, हम इसके थ्रू नंबर ऑफ आइसोमर्स बिल्कुल गेट कर सकते हैं। सो वकार बिल्कुल बहुत जबरदस्त भाई, अगर आप इसके थ्रू कैलकुलेट करते हो सो आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो है कार्बन एटम्स को जस्ट लेते हुए ज़हन में रखते हुए आप इसके थ्रू नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हो, एंड एन शुड बी 4 और ग्रेटर देन 4, ठीक है बिल्कुल। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास पिछला नहीं देखो 4 वाला काम जो यहां पर है ना, देखो अगर आप एन जो है 4 रखते हैं तो फिर हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 आते हैं, 4 से लेस करते हो ना एन, ठीक है, सो 3 करते हो तो फिर ये काम नहीं करता। तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर जो मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है, इन तीन की अगर हम बात करते हैं सो ये तीन जो है, ठीक है, इन तीन की अगर हम बात करते हैं तो ये तीन जो है हमें कभी भी आइसोमर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो ये बेसिक तौर पे इस चीज से भी जस्टिफाई हो रहा है, तो ये आप जरूर नोट डाउन करेंगे। सर आवाज बीच में रुक रही है, देख लेते हैं मुनीब, सो ये आप लिख लें भाई, 2n रेज टू पावर माइनस, ठीक है, 4 प्लस 1 ये हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रोवाइड कर सकता है एग्जैक्टली तौर पे, ठीक है जी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की हम बात करने लगे हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, डिफरेंट हमारे पास
क्लासेस हैं, ठीक है, उनको हम जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेस के लिए क्या होगा? लेस के लिए नहीं होता ना, थ्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एन माइनस फोर लिखते हैं, सो एन माइनस फोर विल गिव अस माइनस वन, सो टू रेज टू पावर माइनस वन फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल होते नहीं है, ठीक है जी, तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स की बात करेंगे और उनको जो है मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हमारे पास चेन आइसोमर है, ठीक है, चेन आइसोमर, चेन या स्केलेटन आइसोमर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, चेन आइसोमर, इसके बारे से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि होता क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करते हैं इन अ चेन, ठीक है, लेस देन फोर कार्बन एटम नो आइसोमर, बिल्कुल मैंने यही कहा सर, यस सर, टेन के कार्बन एटम पे अप्लाई करके देखिएगा ना, देखिएगा और फिर जो है उसका आंसर निकाल के देखिएगा, ठीक है जी, हो गया। नाइन के लिए कर लिए अप्लाई हो जाएगा, एग्जैक्टली तमाम के लिए अप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे जस्ट उसके ऊपर और आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब चेन आइसोमर की हम बात करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, रीजन क्या है कि हम कहते हैं कि चेन आइसोमर्स डेवलप होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के जो है चेन आइसोमर्स बनते हैं, नेचर ऑफ कार्बन चेन के ऊपर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, ठीक है, ये वेरी करते हैं, ठीक है। रीजन क्या है हमारे पास, डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, ये रीजन है, ठीक है, हम रीजन मेंशन कर देते हैं यहां पर, ये रीजन है, ठीक है जी। फर्स्ट हमने बात की है किस चीज की, हमने बात की है चेन आइसोमेरिज्म की, डिफरेंस क्या हमारे पास, डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, ठीक है, ये हमारे पास डेवलप होता है। फंक्शनल ग्रुप की जहां तक बात है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा आपको पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, सो हम कहते हैं कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, फर्क नहीं आता, फंक्शनल ग्रुप का फर्क नहीं आता, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की या स्केलेटन आइसोमेरिज्म की, तो डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम पोजिशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म, ठीक है भी, पोजिशन आइसोमेरिज्म के हवाले से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्क्राइब करता हूं। पोजिशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंस यहां पर जो डेवलप होता है, रीजन क्या है कि डिफरेंट क्यों होते हैं आइसोमर्स, ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, पोजिशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या, मैंने आपको बताया कि जी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक वो फिनोमिना जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, हम जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्लॉट होते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं, इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंस आता है इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, और पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या है कि जिसमें डिफरेंस डेवलप होगा ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, ठीक हो गया, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम ही रहेंगे, वो उसमें फर्क नहीं आएगा, वो चेंज नहीं होंगे, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है और मेटामेरिज्म है, ये आपने नोट डाउन अगर कर लिया तो हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। जब तक आप ये नोट डाउन करेंगे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे चेन आइसोमेरिज्म की हमने बात की थी तो हमारे पास जो है एग्जांपल क्या आएगी, जैसे भी मैंने राइट भी किया था कि एक हमारे पास है, अगर आप लोगों को ये डिस्प्ले हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, जरा इसको सीधा राइट कर लेते हैं सही तरीके से ताकि आप लोगों को ये नजर आए, एन ब्यूटेन, इसको आप ड्रॉ भी करिएगा, और आइसोब्यूटेन, ये एक दूसरे के स्केलेटन आइसोमर्स हैं, इनको कि स्केलेटन आइसोमर्स कहते हैं या चेन आइसोमर्स हैं, इनमें नंबर ऑफ जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं ना चेन, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। पोजिशन आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है तो हम उसकी एग्जांपल क्या लेंगे, वन क्लोरो ब्यूटेन और टू
ब्यूटेन। अब इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, जस्ट हम पोजीशन को वेरी कर रहे हैं। पहले फर्स्ट पे लगाया था और दूसरे में हमने क्या कर दिया, सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। सो जस्ट ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की और मेटामेरिज्म की, दो ये ही। उसके बाद हम चले वर्ड्स दास से इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन हम जब इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो इनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस इनका क्या है, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, और इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसके अंदर होंगे, ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल इसमें आती है वो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म ठीक है, ये किस तरीके से होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। Unequal distribution of carbon atoms on both side of functional group, ठीक है, और इसमें हमारे पास functional group same ही रहेगा, different नहीं होता, ठीक हो गया। So हमने चार की बात की थी, first हमने describe किया था कि जो chain या skeleton isomerism है उसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस डेवलप होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप उसमें सेम रहता है। सेकंड हमने बात की थी पोजीशन आइसोमेरिज्म की, जिसमें हमने कहा कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वेरी करता है इन अ कंपाउंड, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो वेरी करता है, ठीक है, यानी उसमें फर्क आता है और फंक्शनल ग्रुप सेम था। अब यहां पर आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसमें आप कहते हैं डिफरेंस ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होंगे। और उसके बाद हम कहते हैं मेटामेरिज्म है, सो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और यहां हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और भाई देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो, हम फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, टॉटोमेरिज्म भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है भाई। सो यहां तक हमने जो है समराइज किया है अपनी तमाम चीजों को, और एग्जाम्पल आप चाहते हैं इसकी तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कि CH3O CH3, ये ईथर की हमारे पास एग्जाम्पल है, इसी जो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हुए एक और कंपाउंड है CH3CH2OH, ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, एक में ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, एक में हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, सो डिफरेंट हो गया जस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया ना। अच्छा उसके बाद फिर जो है हमारे पास मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप होती कार्बन एटम की, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारे पास है जिसमें आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन का है और कार्बन कार्बन है, और कार्बन कार्बन के एक तरफ एक कार्बन एटम है और दूसरी तरफ तीन कार्बन एटम है, इसका जो है मेटामर क्या बनेगा, ये होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है, यानी कि दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दो दो हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं जस्ट समहाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन एटम्स की हो, सो मेटामर्स डेवलप होते हैं, इस बारे से हमने बात की थी, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करेंगे और मैं आप लोगों को टॉटोमेरिज्म और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है सवाल से डिस्क्राइब करूंगा और फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ को मूव करेंगे। सो मेटामर की सॉरी टॉटोमेर की बात हम करते हैं तो ये है क्या, हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप से, यानी किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से
हाइड्रोजन का इस दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाना, इसे हम कहते हैं, इससे जो बनने वाला हमारे पास आइसोमर होता है इसे टॉटोमर कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है इस चीज को लर्न करते हैं, समझते हैं। ये है, ठीक है, बेसिक तौर पे ये हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर आप इस पे जरा गौर करें तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि यहां से एक प्रोटॉन आ जाता है इधर, और चूंकि विद इन मॉलिक्यूल ही एक प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है तो इससे जो बनने वाला आइसोमर होगा इसे हम टॉटोमर कहते हैं। सर आज भी टेस्ट आगे से आएगा हसीब, हम टेस्ट जो लेंगे वो चैप्टर 8 से होगा, और चैप्टर 8 अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर लेंगे उसको, ठीक है जी। तो हमने कहा कि विद इन द मॉलिक्यूल ए ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर होना, ठीक है, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम टॉटोमर कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कह रहे होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म था। लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास टाइप है वो सिस एंड ट्रांस है, तो उसकी हवाले से हम बात करेंगे, और सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वो आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। सो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के हवाले से हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये एक ही नाम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कि जिसके अंदर होता क्या है कि दो कार्बन एटम्स जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है, उन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम्स के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं अगर उनकी पोजीशन को हम ट्विस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो जो उनसे बनने वाला एक कंपाउंड बनेगा वो एक आइसोमर है, जिसको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर कहते हैं। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, या हम कह सकते हैं समहाउ रूल है, ठीक है, जब भी अप्लाई करेंगे किसी कंपाउंड पे तो उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ उस तरह की कंपाउंड पे अप्लाई होता है कि जिनमें एक तो ये कि डबल बॉन्ड हो, ठीक है जी, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, मस्ट है कि डबल बॉन्ड हो। दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड के अलोंग जो कार्बन एटम, यानी जिन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है उन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं दैट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड या हम समहाउ ये लिख लेते हैं कि देयर शुड बी, या ये कर लेते हैं, द कार्बन एटम्स कैरिंग हैविंग डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक हो गया, यानी उनके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये है, ये जो है, यानी ये कंपाउंड जो है ये सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये करेगा, तो ये हरगिज कंपाउंड सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये करेगा, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो बिटवीन दी कार्बन एटम्स और उनके ऊपर सेम जो है हमारे पास ग्रुप्स आ जाएं, तो उनको अगर हम ट्विस्ट कर भी दें, इनकी पोजीशन को चेंज कर भी दें, तो पहले वाले और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना खास डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो अगर हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो एक नया कंपाउंड डेवलप होगा, जैसे कि अगर आप इसे ट्विस्ट करते हो तो क्या होगा, ये है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास सिस था, अब ये एक ट्रांस बन चुका है, यानी जिसमें हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ ग्रुप्स जो है वो अल्टर कर गई हैं, चेंज हो चुकी हैं, ठीक हो गया। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म कहां अप्लाई होगा, कि जब भी हम कहते हैं कि क्या हो, कि डबल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड जो है, यानी जो है उन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हों, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, कि इनके थ्रू आइसोमर्स बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस, और अगर सेम ग्रुप होंगे तो उसमें हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन एटम्स पे अगर सेम ग्रुप्स हैं तो उसमें हम ट्विस्ट भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
चेंज या वेरिएशन डेवलप नहीं होती, ठीक हो गया। सो ये हमारा एक समहाव कह सकते हम रीजन है कि किस तरह की कंपाउंड्स के अंदर सीसन ट्रांस डेवलप होगा, किसमें नहीं होगा। जल्दी से आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे। सर इसका एमसीक्यू कैसे आता है, तो इसका एमसीक्यू किस तरीके से बन सकता है कि वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सीसन ट्रांस आइसोमर्स। तो उसमें आप टू ब्यूटीन की बात करेंगे, यानी कि जब भी हमारे पास क्या होगा कि डबल बॉन्ड के अलॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास सीसन ट्रांस बन सकता है। अगर सेम हमारे पास ग्रुप्स होंगे तो उसमें सीसन ट्रांस की डेवलपमेंट नहीं होती। जी क्या क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बता दें, जल्दी से क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, तो हम मूव करेंगे। सर ये क्या हो रहा है, सब बातें करनी है, हमारे सवाल ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल भाई, आप लोगों ने बातें नहीं करनी है, और आप लोग जो है बातों को जरा स्टॉप करेंगे। मैं फिर वही मतलब ये है ना कि हमारी वो कौम चाहती है कि उनको बार बार जो है ना मतलब बोला जाए कि जी ये ना करो वो ना करो। सर मेटामेरिज्म ग्रुप प्लीज थोड़ा सा बता दें, मैंने आपको बताया असद कि मेटामेरिज्म क्या होता है, कि वो कंपाउंड जिसमें कि फंक्शन ग्रुप के, आप जानते हैं अनसर्टेनिटी तो जाहिर सी बातें होती है। सो उस हवाले से आप लोगों से जो है माजरत, लेकिन वापस आ चुका हूँ, और हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने एंड किया था। तो चैप्टर नंबर 7 को हमने खैराबाद कर दिया है, अब हम चलेंगे टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 8, ठीक है, और इस सवाल से जो है बात करेंगे हम, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। आपस में आप लोगों ने बात नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग बात नहीं करेंगे और डिस्कशन करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो है ना आप लोगों को जो है ना तो बात में ही समझ आ पाएगी और ना ही जो है आप लोगों को मेरी बात कन्वे हो सकेगी। सो आप लोगों ने आपस में डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस करना है सर एक कार्बन पर ग्रुप बिल्कुल सेम रहने क्या यहाँ पे क्या था क्वेश्चन क्या था एक कार्बन पर ग्रुप बिल्कुल सेम रहने चाहिए, ग्रुप सेम होंगे अगर एक कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, जैसे एग्जांपल भी प्रोवाइड की थी। सो इस सूरत में क्या होता है, यार इसको जरा साइड पे कर देना, आवाज का इशू आ रहा है। जी अब क्लियर है, नहीं लिखा। जो क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, ठीक है, अगर जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या कार्बन एटम्स की हम बात करते हैं जो डबल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं, अगर इनमें जो नंबर ऑफ जो हमारे पास डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन एटम्स हैं इनमें अगर ग्रुप सेम हो तो ये कभी भी सीसन ट्रांस को शो नहीं कर सकते। हम इनको अगर जो चेंज कर भी दें, रोटेट कर भी दें, ठीक है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, यानी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं उसको नीचे ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ा, कोई डिफरेंस आया, कोई नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप ही सेम है। अगर ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी हम कहते हैं सीसन ट्रांस का जो है वो हमारे पास आइसोमर का फिनोमेना शो होता है। और रीजन क्या है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती। अगर आप जो है डबल बॉन्ड, ये लेट्स सपोज डबल बॉन्ड है, अगर आप इसमें रोटेशन करते हैं तो स्ट्रेस डेवलप होता है बॉन्ड के अलोंग और ये बॉन्ड टूट जाता है। अगर बॉन्ड के बाद टूटने के बाद एक नया कंपाउंड डेवलप होगा, एक नई कॉन्फ़िगरेशन सामने आएगी, नई अरेंजमेंट सामने आएगी, एक नया कंपाउंड डेवलप होगा, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि चूंकि बॉन्ड टूट के एक नया कंपाउंड बना है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम फर्स्ट वन, इसलिए हम कहते हैं कि आइसोमर्स डेवलप होते हैं। सीसन ट्रांस जो है सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड में इसीलिए ही जो है बनता है, डेवलप होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ फ्री रोटेशन होती है। वास्ते होगी, ठीक है। अच्छा अब हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ को मूव करने लगे हैं, हमारा ऑलरेडी जो है अच्छा खासा टाइम लग चुका, हमने शुरू में लेट स्टार्ट किया और अब समहाउ यहाँ पर भी जो है तो कुछ टेक्निकल इशू था। सो जल्दी से चलते हैं टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 8, ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 के हवाले से जो है मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहला हमारा टारगेट जो है वो समहाउ नोमेनक्लेचर के हवाले से है, मैं नोमेनक्लेचर के हवाले से जो है आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और फिर हम मूव करेंगे आगे, नेक्स्ट जो है आगे चलेंगे। शुरू में अगर इनके कमेंट्स डिस्प्ले कर दें, ठीक है, मुझे कर दे, ठीक हो गया। जी अली क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीसन ट्रांस में डिफरेंस क्या होता है। सीसन ट्रांस में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है
उसमें जो कार्बन एटम्स हैं अगर वो उनके अलॉन्ग एक तरफ हम कहते हैं कि एक ही ग्रुप अगर हो गए तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम सिस कहते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो ट्रांस बन जाएंगे। ऑटोमेरिज्म में प्रोटॉन के अलावा कोई और आयन भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सो हम प्रोटॉन की बात करते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस वन, एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर जो है हमारे पास क्या होता है कि जो बल्कि ग्रुप्स हैं इनकी आपस में रिपल्शन की फोर्स कम होती है। जैसे लेट सपोज अभी हम जल्दी से कर भी लेते हैं इसको, आप लोग चूंकि बार बार कह रहे हैं सो इसको एक दफा फिर से कर लेते हैं। एच एन सी एच थ्री, ये है ट्रांस, ठीक है, इसको हम ट्रांस कहते हैं। और ट्रांस इज मोर स्टेबल बिल्कुल एज कंपेयर टू सिस, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी आपस में रिपल्शन फोर्स होती है, इनकी आपस में रिपल्शन की फोर्स होती है, चूंकि एक बल्कि ग्रुप के साथ एक लाइटर ग्रुप आ गया तो रिपल्शन की फोर्स मिनिमम होगी। एज कंपेयर टू दिस, अगर हमारे पास सिस होगा, अगर हमारे पास क्या होगा सिस होगा, सो इसमें क्या होता है बल्कि ग्रुप्स जो है एक दूसरे के आमने सामने है तो यहाँ रिपल्शन की फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं समहाउ स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर 8 में हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से बात करेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है जी। अगर हम जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की आज हमने बात करनी, डिस्कशन करनी है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम जो है डिस्कस करेंगे। अगर हम जो है बात करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्लासिफिकेशन मेंशन की हुई है, और ये वो क्लासिफिकेशन जो यहाँ मेंशन की हुई है वही है कि जो आपने चैप्टर नंबर 7 में की थी। चैप्टर 7 के अंदर आपने जो है डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको ओपन चेन और क्लोज चेन जो है, ठीक है, उसमें हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद फर्दर उनमें क्लासिफिकेशन क्या आती है, फर्दर उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपने कहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से भी, हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से, क्योंकि नोमेनक्लेचर समहाउ हमें जरा देखना है, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्या इशू चल रहा है आप लोगों का, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या बातें कर रहे हो? अच्छा जी, सो नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, या तो ये हो कि कार्बन जो है इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ हो, ठीक है, या ये कर लेते हैं स्टार्ट यहां से कर लेते हैं। मुझे ना मार्कर ला देना, ये दोनों के दोनों ना हम समहाउ कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये बल्कि जस्ट हम इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ठीक है, वो कार्बन एटम जिसमें हम कहते हैं फर्दर ये कार्बन एटम किसी के साथ भी ना जुड़ा हो, किसी भी कार्बन एटम के साथ ना जुड़ा हो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। वो कार्बन एटम कि जो एटलीस्ट वन कार्बन एटम से अटैच हो फर्दर, इसे हम कहते हैं ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम होंगे, ठीक हो गया। और अगर जो हमारे पास क्या हो कार्बन एटम जो है एटलीस्ट एक ही वक्त में दो फर्दर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो, इसे हम कहते हैं ये टर्शरी है कार्बन एटम, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या हो एक ही वक्त में एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, इसे क्वार्टरनरी कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है भाई, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स होते हैं, इसकी ही बेस पर हम इनको यानी इन जो आने वाले कंपाउंड्स हैं इनको नॉर्मल इनको जो है हम समहाउ कहते हैं कि सेकेंडरी या आइसो, ठीक है, और इनको टर्शरी या जो है नियो हमारे पास है नेम, ठीक है, ये असाइन करते हैं, इसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं किस चीज की भी, हम जब बात करते हैं कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है, कॉमन नेम या ट्रिबल नेम की बात करते हैं,
सो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स को शो करने के लिए हम आइजो का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, नियो सॉरी नियो या टर्शरी का वर्ड यूज करते हैं, या नॉर्मल की टर्म को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स यूटिलाइज करेंगे हम जब जो है जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं किस किस हवाले से, हम जब बात कर रहे होते हैं ट्रिविल या कॉमन नेम की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आयोनिक नेम की बात करते हैं तो उस वक्त हम नंबरिंग मेंशन करते हैं कि किस पोजिशन पे कौन सा फंक्शन ग्रुप मौजूद है या कौन सा ग्रुप मौजूद है। हम जो है नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग की बेस पर जो है ग्रुप की पोजिशंस को लोकेट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजिशंस को असाइन करते हैं। सो नंबरिंग राइट करेंगे तो वो आईपैक नेम बन जाएगा। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स जो है वो पुट करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा टुवर्ड्स द आईपैक नेम। सर जो दो से ज्यादा अटैच होते हैं उनको सेकेंडरी कहते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर जो कोई भी कार्बन एटम अटैच ना हो तो वो प्राइमरी या 1 डिग्री जिसको हम सॉरी 0 डिग्री जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास क्या हो कि एक कार्बन एटम अटैच हो फर्दर किसी कार्बन एटम के साथ, इसको हम सेकेंडरी कहते हैं, ये 1 डिग्री होता है, ठीक है। अगर दो कार्बन हो एक ही वक्त में एक कार्बन एटम के साथ अटैच, तो इसको हम टर्शरी कहते हैं, ये हमारे पास 2 डिग्री कहलाता है। और अगर हमारे पास एक ही कार्बन एटम पे एक ही वक्त में चार कार्बन एटम्स अटैच हो, इसे हम क्वार्टरली कहते हैं, क्या हम कहते हैं कि ये हमारे पास 3 डिग्री का हमारे पास जो है ये 3 डिग्री वाला कार्बन एटम कहलाएगा, ठीक है जी। इसी को ही जो है हम आगे फर्दर लेके चलेंगे, ठीक है। इस हवाले से हम बात करने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम्स कैरी करेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम्स कैरी करेगा। सो इस तरह की कंपाउंड के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो नॉर्मल यानी एन यूज करते हैं। ये एन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एन ब्यूटेन होगा, ये ट्रिवियल या कॉमन नेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। हम एन यूज करते हैं फॉर ट्रिवियल नेम, ठीक है, यानी जस्ट शो करने के लिए कि हमारे पास जो है क्या होगा कि भाई हमारे पास कार्बन एटम जो कंपाउंड मौजूद है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी टाइप ऑफ क्या करते हैं। अलीशा सर बाय मिस्टेक कर रहे कह रहे हैं, क्या बाय मिस्टेक कह रहा हूँ मैं, साथ जल्दी से बता दो क्या क्या क्वेश्चन क्या है। नो सर ये तो नहीं है, था ये नहीं था, क्या थे नहीं था भाई, जल्दी से बता दें क्या नहीं था, जल्दी से बताएं ताकि हम उसे कर सके ना, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा कार्बन एटम्स जो है वो क्या हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी टाइप के हो, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है यानी सेकेंडरी हो या इवन टर्शरी भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। देखो ये हमारे पास 2 डिग्री का है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 डिग्री का है, ठीक है, ये हमारे पास 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ठीक है। सो हम इसको एन ब्यूटेन का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं, ठीक हो गया। और तीन कार्बन अटैच हो तो टर्शरी होगा, तीन कार्बन अटैच हो तो इसको टर्शरी या नियो कहते हैं, ठीक है, टर्शरी या नियो कहलाता है। एग्जैक्टली तौर पे भी हमने इसको एग्जांपल ले ली है तो हम उसमें देख लेंगे, ठीक है जी। जी सो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये एन ब्यूटेन है इस तरीके से। ये है, अब इसको हम क्या कहते हैं, आइजोपेंटेन, आइजोपेंटेन कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, ये आइजोपेंटेन कहलाता है। हम कहते हैं कि आइजोपेंटेन क्या है हमारे पास, ठीक है भाई, टर्शरी, ठीक है। देखो यहाँ पर है, एटम हैज इट्स ऑल द 4 वैलेंस सेटिस्फाइड विद द 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज क्वार्टरनरी कार्बन एटम। मैंने आप लोगों को बताया, मुझे फिर से अपनी बातें रिपीट करना पड़ती हैं आप लोगों के लिए। ये था प्राइमरी, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, ये प्राइमरी था और इस पे हम कहते हैं हमारे पास है संभव जस्ट 1 डिग्री, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 1 से स्टार्ट, 1 डिग्री है हमारे पास, ठीक हो गया। और ये हमारे पास यानी आ जाए, ठीक है, सो ये सेकेंडरी होगा, इसके लिए हम 2 डिग्री का यूज करते हैं, यही कहा था ना मैंने आप लोगों से, ठीक है जी। और इधर मैंने आपसे कहा था अगर कार्बन एटम एक वक्त में 3 कार्बन एटम से अटैच हो, यानी दो दो से था अगर 3 हो जाए, हाइड्रोजन आ गया ये कार्बन आ गया, तो हमने कहा था भाई ये टर्शरी है और ये क्या हो जाएगा भाई 3 डिग्री हो जाएगा, यही कहा था। और लास्ट में अगर कार्बन एटम्स 4 हो जाएं, ठीक है, सो मैंने आपसे कहा था कि क्वार्टरनरी हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टरनरी हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, क्वार्टरनरी, और मैंने आपसे कहा था ये 4 डिग्री। सो ये कही थी आपसे बात,
अब बताएं इसमें क्या फर्क है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें, जल्दी से बता दें। सर दीज आर फुल बेसिक, प्लीज मूव द, बिल्कुल मैं मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर आप लोग कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, और ठीक है भाई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, सो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरली, ठीक है। और सर ये ही ये भी सेकेंडरी वाला दो से होगा, सेकेंडरी वाला दो से होगा, सेकेंडरी वाला जो है क्या होगा दो से होगा, किस तरीके से दो से होगा भाई, अगर जो दो कार्बन एटम एक ही वक्त में अटैच हो, मतलब तीन कार्बन एटम बेसिक तौर पर एक ही वक्त में अटैच हो तो टर्शरी होगा, अगर एक हो या इवन हाँ दो भी हो तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो कार्बन वाला भी बॉन्ड नहीं होगा, दो कार्बन वाला बॉन्ड होगा उसको भी हम सेकेंडरी के अंदर ही जो है शुमार करेंगे, और ठीक है जी दो वाला हमारे पास जो है वो सेकेंडरी के अंदर ही आएगा, बिल्कुल सही कहते हैं हम, दो वाला आएगा, ठीक है। वन वाले को भी हम जो है कंसिडर करते हैं कि जिसमें हो ये प्राइमरी होता है या वन डिग्री होता है, टू कार्बन वाला जो है वो सेकेंडरी ही कहलाता है, ठीक है। क्वार्टरली इज आल्सो कॉल्ड एज न्यू, एग्जैक्टली टर्शरी और न्यू कहते हैं, अभी मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा था आप लोगों ने मुझे रोक दिया, जल्दी से मूव करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। सर कार्बन अगर फर्दर टू कार्बन एटम से अटैच हो तो वो सेकेंडरी होते हैं, एग्जैक्टली सलमान सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी ही होते हैं, एग्जैक्टली वो ही देख रहा हूं मैं पेज, उसी हिसाब से मैं आप लोग बताया था कि अगर दो कार्बन एटम वाला हो तो सेकेंडरी ही कहलाता है, ठीक हो गया। फॉर अल्केन करवा दें, जल्दी करवाते हैं भी, करवा देते हैं आप लोगों को अल्केन भी, अगर आप लोग मुझे यहाँ से जो है आगे मूव करने दें तो हम आगे चलें और आगे जो है नेक्स्ट मूव कर सकें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है हारून, वही हम देखना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है। अच्छा ये हमारे पास आइजो पेंटेन, इस तरीके से क्या हो कि अगर हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाए, CH3, अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अभी हमने राइट भी किया था, ये बेसिक तौर पे हमारे पास प्राइमरी यानी वन डिग्री, ठीक है ये वन डिग्री ही होगा, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है फोर डिग्री है, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे हमारे पास या तो टर्शरी इसको लिखते हैं TER मेंशन करते हैं या फिर न्यू मेंशन करते हैं, और ये पांच कार्बन कंटेनिंग है सो न्यू या टर्शरी पेंटेन कहलाएगा, ठीक है न्यू या टर्शरी पेंटेन कहलाएगा, ठीक है जी नियो या टर्शरी पेंटेन जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। सो हम कहते हैं जब भी हमारे पास क्या होगा, हम जब भी बात करेंगे किस हवाले से, हम जब भी जो है बात करेंगे क्या कहते हैं उसे, सिंपल कॉमन नेम की बात करेंगे, और कॉमन नेम के हवाले से जो है आप लोगों को जो है मैं बताऊंगा कि कॉमन नेम क्या होते हैं, सो उसमें हम हमेशा नियो आइसो या सेकेंडरी या टर्शरी की टर्म को यूटिलाइज करते हैं। सर काइंडली एक दफ़ा बता दिया करें जिसने क्या था, जिसने दोबारा समझना हो वो लेक्चर दोबारा सुन ले, कासिम बेबी सी का आपने, ठीक है भाई इस लेक्चर जो है जिसने कोई पॉइंट वापस रिपीट करना हो वो दोबारा लेक्चर सुन ले, ठीक है। अच्छा अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द आईपैक नेम, और मैंने आपसे कहा कि मेजर डिफरेंस क्या है न्यू सॉरी आईपैक नेम और कॉमन नेम के अंदर, कि आईपैक नेम के अंदर हम जो है नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग के हिसाब से कोई ग्रुप जो है उसकी पोजिशन को लोकेट करते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कॉमन नेम की, सो कॉमन नेम जो हमारे पास है ठीक है वो उसके लिए हम आइजो की टर्म न्यू की टर्म या टर्शरी या जो है टर्म यूटिलाइज करते हैं जस्ट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स को शो करने के लिए, ठीक है जी। जल्दी से आगे मूव करेंगे और हम आईपैक नेम की एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, हम जो है पढ़ेंगे कि अल्कीन में उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ है, ठीक है जी। देखो जो नोमेनक्लेचर के वाले से रूल्स हैं वो आपने पढ़े होंगे, आपने उसकी प्रैक्टिस भी ऑलरेडी आप लोगों ने की होगी, कि सबसे पहले तो हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ही खत्म होगा इस तरह तो नहीं, हमने इतनी लेंथी जो है डिस्कशन नहीं करनी, हम आगे मूव करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों की जो साइज मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की पुट की है उसमें आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। इनको छोड़ दें, मैं टॉपिक में चलें, ठीक है एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। सिंपल से एग्जाम्पल प्रोवाइड करके आप लोगों को सिर्फ समझा दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। मसला ये कि आपको जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो उसमें आप बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस करके ना सो आगे चल जाते हैं, मार्क भी करवा देते हैं साथ में, बिल्कुल 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 करवा देते हैं। अच्छा इसकी बात करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं पहले तो, ठीक है फिर हम नंबरिंग करते हैं फ्रॉम दैट एंड विच हैव ब्रांच एनी ब्रांच, ठीक है विच इज क्लोजर टू द एंड, ठीक है। सो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, सो हम इसे लिखेंगे टू मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा,
ठीक है भाई, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, हम नंबरिंग करते हैं फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास चूंकि सिंगल बॉन्ड ही है तो यहाँ हम देखेंगे ब्रांच को, ब्रांच जहां से करीब होगी वहीं से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या होता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है और लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड का आना जरूरी है। यहाँ पर हम जो नंबरिंग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड करते हैं, सो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर क्या होगा, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, ठीक है, वन ब्यूटीन कहलाएगा, क्योंकि हमने यहां पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को भी शो करना होता है। और आप देखेंगे यहां पर कि जब आप अल्केन की बात करते हैं तो उसमें जो सुफिक्स यूज करते हैं वो एन है, जो आप सुफिक्स यूज करेंगे किस हवाले से, हम जब जो है बात करते हैं अल्कीन की, सो उसमें हम कहते हैं कि जब आप सुफिक्स यूज करेंगे अल्कीन के नेम को मेंशन करने के लिए तो वो ईन है, ई एन ई, ठीक है, ठीक है भी, हम ईन की जो है बात करते हैं, ये सुफिक्स यूज करते हैं। सुफिक्स और प्रीफिक्स का पता होना चाहिए, प्रीफिक्स जो है जो किसी कंपाउंड नेम के शुरू में आता है और जो लास्ट में आते हैं उसको हम जो है सुफिक्स का नाम देते हैं, जो कि किसी एक कंपाउंड की नेचर को शो करता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद नंबरिंग करनी है फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू द ट्रिपल बॉन्ड, सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। आप नंबरिंग के बाद इसका नेम मेंशन करेंगे, सो याद रहेगा फोर मिथाइल, फोर मिथाइल टू पेंटाइन। हम कहते हैं यहां पर हमारे पास जो सुफिक्स आता है वो वाई एन ई है और वाई एन ई रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, वाई एन ई रिफ्लेक्ट करता है अल्कान ग्रुप को। जब भी कंपाउंड जो है ट्रिपल बॉन्ड कैरी करेगा तो उसके लिए हम जो है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और साथ में वाई एन ई एज अ सुफिक्स के तौर पर यूटिलाइज करेंगे, लिखेंगे, मैंशन करेंगे किसी कंपाउंड के नेम के साथ और जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जस्ट एक समहाउ एग्जांपल्स थी और ये एग्जांपल्स जो है सिर्फ प्रोवाइड की गई आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से आपने नंबरिंग करनी होती है और नेम करना होता है। छोटा सा कंपाउंड अगर आएगा, मतलब आएगा भी तो एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर छोटा कंपाउंड ही आएगा, एक्सरसाइज जो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए उसके अंदर भी छोटा कंपाउंड है जिसका आपने राइट जो है क्वेश्चन जो नेम है ठीक है उसे टिक करना है, उसको आपने बताना है, ठीक है जी। जल्दी से आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। और इस हवाले से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समराइज करूंगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो है आप लोगों को जो है समझाऊंगा, ठीक है जी। एग्जांपल दे दें सर जिसमें मैंने आपको बताया फरहान, अभी एग्जांपल आपको मैंने प्रोवाइड की, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का कंपेरिजन बताऊँगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन देखते हैं कि क्या आता है, यानी क्या डिफरेंस क्या है, मेजर इनके अंदर क्या है, इस सवाल से हम बात करेंगे। और तीनों डबल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड हो चलिए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, ठीक है भाई। अच्छा, सो फर्स्ट हम बात करते हैं अल्केन की, अल्केन्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज पैराफिन, इनको क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैराफिन, पैराफिन, ठीक है। और पैराफिन का पता होगा आप लोगों को मतलब, कि पैराफिन का मतलब होता है लेस एफिनिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि जो है ना हम कहते हैं पैराफिन का मतलब क्या है, पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरा मींस लेस, फिन मींस एफिनिटी, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स के जो लेस रिएक्टिविटी शो करते हो, यानी हम पैराफिन्स कहते हैं, सो अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है जी। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, देयर जनरल फार्मूला, वो होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है, ठीक है जी। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें सवाल से, तो हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है भी। इसके अगेंस्ट अगर हम अल्कीन की बात करें तो हम अल्कीन के बारे से कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ओलेफिन्स, इनको क्या कहते हैं, इनको ओलेफिन्स कहते हैं, एस ओलेफिन्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। और ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है,
ये ऑयली लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी हम इन कंपाउंड्स को ट्रीट करते हैं विद अल्काल हेलाइड्स यानी सिंपल हेलोजन के सॉरी हेलोजन एसिस के साथ जैसे HCl है HBr HI है, इनसे जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो ये ऑयली लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। इनको हम जो है क्या कहते हैं इनको हम ऑयली फिन्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस ऑयली लेयर ऑयली जो है वो अपेयरेंस डेवलप करते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या है? इनका जो जनरल फार्मूला है जनरल फार्मूला वो है CnH2n। ठीक है, ये इनका फार्मूला है CnH2n। ये हमारे पास इनका क्या होगा जनरल फार्मूला है। ठीक है, और इनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड, क्योंकि इनमें क्या है डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम अल्काइन की बात करते हैं, अल्काइन के हवाले से हम कहते हैं कि ये क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्ड कैरी करते हैं। सो ट्रिपल बॉन्ड कैरी करने की बुनियाद पर हम इनसे कहेंगे हम कि भाई ये संभव इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इन बिटवीन है अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन की निस्बत जो है इनकी एक्टिविटी क्या होती है इन बिटवीन होती है। अल्काइन अल्कीन से जो है लेस एक्टिव होते हैं और अल्कीन से मोर रिएक्टिव होते हैं अल्काइन। ठीक है, जो हम मेंशन कर लेते हैं डियर रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन अल्केन बट लेस देन अल्कीन। अल्कीन ठीक है, और जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है सी एन एच टू एन माइनस टू होता है। और जहां तक रही बात अनसेचुरेशन की तो ये भी अनसेचुरेटेड होते हैं, दे आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक छोटा सा ब्रीफ सा जो है कंपैरिजन था बिटवीन अल्कीन अल्कीन एंड अल्काइन। जनरल फार्मूला हमारे पास अल्कीन्स का अल्काइन्स का क्या है सी एन एच टू एन माइनस टू। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अल्कीन के हवाले से और अल्काइन के हवाले से। ठीक है, अभी हम इनका जो है रिएक्टिविटी कंपैरिजन भी देखेंगे कि कौन सा जो है लेस रिएक्टिव होता है कौन सा मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि अल्कीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है इस ग्रुप का, ठीक है, वो सी एच फोर है। ठीक है, इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर वो इथेन है। ठीक है, इथेन इथीन इसका जो है सॉरी इथीन। ठीक है, इथीन सबसे जो है स्मॉलेस्ट मेंबर है। ठीक है, इथीन हमारे पास क्या होगा इथीन विल बी द स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक हो गया, और अगर हम बात करते हैं अल्काइन की, सो अल्काइन के इसके अंदर हम कहते हैं कि इथाइन हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है एक समहाउ कंपैरिजन था रिलेटेड टू बिटवीन अल्कीन अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ जनरल मेथड हैं। ठीक है, जनरल मेथड जो है उस हवाले से मैंने आप लोगों से जो है कुछ बात करनी है। मेथड जनरल मेथड फॉर अल्कीन इस पर बात करेंगे। जनरल मेथड फॉर अल्कीन की हम इस पर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा, वो आपने ज़रूर मार्क करने इस हवाले से, क्योंकि अब देखो हमने रिएक्शन को रटना नहीं है। ठीक है, रिएक्शन को किसी तरह से भी रटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर, पाई बॉन्ड का है का ज़्यादा होने से रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? मैं मोहसिन जब रिएक्टिविटी कंपेरिजन की बात करूंगा ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने उस सवाल से बात नहीं की, जब रिएक्टिविटी कंपेरिजन आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेस एक्टिव होते हैं क्यों मोर एक्टिव होते हैं। ठीक है, भी हम जो है देख लेते हैं। जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं फॉर अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स जो है अल्केन्स के जो है हम जनरल मेथड्स जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ठीक है, उस हवाले से बात करेंगे। अब उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को मेंशन करवाऊंगा, यानी कुछ समहाउ जो है बात हमने अपने बुक पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, राइट करनी है। ठीक है, अगर हम जनरल प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं, अल्केन की समहाउ पहले बात कर लेते हैं। सो अल्केन के केस के अंदर जो पहला मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन का, जिसको हम जो है मेंशन करते हैं
सबिटियर, ठीक है जी, सेंडर्स मेथड, ठीक है, सबिटियर सेंडर मेथड हमारे पास है सर। सर साइड प्लीज़ वो फॉर स्क्रीनशॉट, वो तो मैं मिटा चुका हूँ, आप थोड़ा सा वापस नीचे लाइएगा, आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। अच्छा, सो सबिटियर सेंडर मेथड जो है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं इस सवाल से, जब भी हम जो है अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे और इसके थ्रू अल्केन प्रिपेयर करेंगे, इस रिएक्शन को सबिटियर जो है सेंडर रिएक्शन कहते हैं। ये आप अंडरलाइन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको अंडरलाइन करना है। सबिटियर सेंडर मेथड रिएक्शन क्या होता है, यानी वो रिएक्शन के जिसमें हम अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और उसके थ्रू अल्केन को प्रिपेयर करते हैं, सो ये सबिटियर जो है सेंडर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, जिसको आप मार्क करेंगे। बाकी जब भी आप निकल का इस्तेमाल करते हैं, निकल के थ्रू जो है आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम जो है मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर है, आप उस टेम्परेचर को भी अंडरलाइन करेंगे कि कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है। जब भी आप प्लैटिनम या प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन पर्पस, सो इस केस पे हम कहते हैं कि हमें रिएक्शन कंडीशन के अंदर टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता। निकल यूज करेंगे फॉर हाइड्रोजनेशन, तो उसमें आपको टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर होती है, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन मेथड जो है, एक चीज और देख लीजिएगा कि यही जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, यही हम इस्तेमाल करते हैं इन इंडस्ट्री, ठीक है, हम ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सो वो भी आप जो है अंडरलाइन करेंगे इसके अंदर, आप उस चीज को भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। कहाँ पर मार्क करने विशन, आप जो जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्केन है उसमें, उसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन की बात कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आपने पूरी बुक पढ़ी हुई है, सेकेंड ईयर पढ़कर आ चुके हैं, सो उसमें आप लोगों को पेज नंबर का या पेज नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जनरल मेथड प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्केन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भी। नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के थ्रू जो है आपने अगर जो है अल्केन की प्रिपरेशन करनी, तो उसमें कैटलिस्ट का बड़ा रोल है, आप उस कैटलिस्ट को जो है मार्क करेंगे, और यहां पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास HCl प्लस ज़ेरन है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजनेशन इज रिडक्शन प्रोसेस, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम समहाउ कहते हैं कि ये रिडक्शन प्रोसेस ही होता है, ठीक है, सो रिडक्शन प्रोसेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड के थ्रू प्रिपरेशन मेथड जो है, उसमें जो आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो वो HCl प्लस जिंक है, ठीक है, HCl प्लस जिंक है, इसको आप मार्क करेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, सो आप इसको मार्क करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट अगर हम मूव करें, सो डीकार्बोक्सिलेशन है, और डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जो हम कैटलिस्ट मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पर हमारे पास क्या होता है, वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड हम यूटिलाइज करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम यूटिलाइज करेंगे एज अ कैटलिस्ट इन केस ऑफ जब भी हमने डीकार्बोक्सिलेशन करनी हो। डीकार्बोक्सिलेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि आप जो है जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके फंक्शन तोड़ रहे हैं और उससे आप जो है डीकार्बोक्सिलेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को और उससे सिंपल अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी कोब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, कोब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है, ठीक है, उसमें आपने क्या जो है क्या चीज मार्क करनी है। कोब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के अंदर आप जो है करते क्या है कि सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको ट्रीट करवाते हैं विद वाटर और इसके थ्रू आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्केन, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो आपने पहला रिएक्शन जो है उसका मार्क करना है। हाइड्रोजनेशन इज सरफेस फिनोमिना सर, आशा सरफेस फिनोमिना संभाव, देखो मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम कैटलिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो मेटल है, निकल का इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम या प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सरफेस पे ये सारा के सारा रिएक्शन होता है। लेकिन ये है कि जो हमारे कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, उनमें कोई सरफेस वाला काम नहीं है, क्योंकि हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो समहाउ गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं या वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है जी। सर जी, ऑयल इज बेटर देन घी, इट इज, ये तो हमारा यार हमने कौन सा कंपेरिजन करना है कि जो है वो ऑयल बेटर है कि घी बेटर है, ठीक है, सवाल इसको हमें कोई काम नहीं करना ना, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, क्लीबेंसन और जो हमारे पास वुल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शंस हैं उसमें आप देखेंगे क्लीबेंसन के अंदर हम कीटोन्स की बात करते हैं और कीटोन्स में रिडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं जिसके थ्रू अल्केन प्रिपेयर करते हैं और उसमें जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या है, वैसे तौर पर जिंक अमलगम जिसको हम कहते हैं ज़ेरन HG, और MCQ कैसे आएंगे, देखो वो अधीरा आपसे ना या तो ये कि समहाउ रिएक्टेंट के हवाले से पूछेंगे या फाइनल प्रोडक्ट में से कोई स्पेसिफाइड या कैटलिस्ट, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया ठीक हो गया, ठीक है, करनी भी देखो कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, चैप्टर के एक्सरसाइज करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसमें से क्या आपको जो है मिलेगा। अच्छा, और साथ में हमारे पास यहाँ HCl है, ठीक है, ये बेसिक टॉपिक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए है जिसमें कि आप ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और कीटोन जो है आप उसको जो क्या करेंगे उसको आप जो है ना
को मतलब आप रिड्यूस करते रहे उसे आप अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास है वोल्फ्केशनल रिडक्शन रिएक्शन, उसमें हमारे पास कैटलिस्ट की जो है कंडीशन चेंज है। यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो N2H4, ठीक है, यानी ये, और साथ में हम बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड जो है इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंटू अल्केन, ठीक है। अल्केन कन्वर्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, ठीक हो गया। हाइड्रोजिनेशन के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म के अंदर, इसे हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। टेस्ट के कैंसिल हो गया, नहीं भी टेस्ट कोई कैंसिल नहीं हुआ, टेस्ट आप लोगों का होगा, आप लोग बेफिक्र रहे। रिएक्शन वाले एमसीक्यूज आ सकते हैं, देखो उसमें क्या है, कंडीशन पूछे गए हैं वो आपसे, कंडीशन के वाले से होगा। आपके लिए जो प्रैक्टिस एमसीक्यू पुट अपलोड करूंगा उसमें भी आप देखेंगे कि रिएक्शंस जो हैं उसमें से कुछ कंडीशंस ही आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है भाई। सो आपके पास जो वोल्फ्केशनर है तो उसमें आपने जो है उसकी कंडीशन देखनी है कि कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे। ये बेसिक तौर पर हमारे पास है कंडीशन जो कि हम एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं इंटू अल्केन, ठीक है। अल्केन के अंदर इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है हमने जनरल प्रिपरेशन मेथड जो है वो डिस्क्राइब किए, मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपने जो है वो मार्क करनी है उसके अंदर से, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे और जो है नेक्स्ट मूव करेंगे आगे, तो मैं आप लोगों को समहाउ थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है केमिकल रिएक्शंस की तरफ जो है मूव करेंगे। केमिकल रिएक्शंस जो है उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, ठीक है। अल्केन्स के बारे में हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, वाई, बिकॉज अल्केन्स, ठीक है, इन अल्केन्स दे एग्जिस्ट ऑनली सिग्मा बॉन्डर। हम जानते हैं कि हमने जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था तो हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई होती है, और हम कहते हैं कि जो है जो दो हमारे पास न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि दे आर लेस नेचर, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने कुछ चीज़ें मार्क करनी है, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, एमसीक्यूज की डिस्कशन भी हम करेंगे, बेफिक्र रहो अली, हमने वो भी करना है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीज़ें आप लोग मार्क करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या मार्क करना है भाई, एक तो यहाँ पर फिजिकल अपेयरेंस है, फिजिकल अपेयरेंस के वजह से जो है मेंशन किया हुआ है कि कितने कार्बन कंटेनिंग जो रेंज हमारे पास है वो गैसेस फॉर्म में होगा, कितने लिक्विड होंगी और कितने जो है हमारे पास सॉलिड होंगी। टेस्ट हम ले लेते हैं, लेकिन पता है क्या मसला है, प्रॉब्लम यही है कि टेस्ट अगर हम लेते हैं ना तो आप लोग फिर कहते हैं कि वो टॉपिक जो हमने अभी तक नहीं जो है डिस्कस किए थे उनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए टेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताया कि आप लोगों का टेस्ट सेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 जून से ऑनवर्ड आप लोगों का टेस्ट सेशन भी जो है स्टार्ट होगा और जो है वो भी हम करेंगे, ठीक है जी, वो भी हम करेंगे। 90 मिनट्स आर इनफ, देखो बिल्कुल अब्दुल, 90 मिनट्स इनफ होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम जो है लेट ऑलरेडी हो गए, सो इसलिए हम जो है ना समहाउ कहते हैं कि पढ़ लें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हो, आप लोगों का 13-14 को टेस्ट है और 13-14 को टेस्ट है, आप लोग अभी सेकेंड ईयर में फॉल किए हो, सेकेंड ईयर में भी आए हो, अभी आपने सेकेंड ईयर का के जो है तमाम चैप्टर्स को पूरा करना है और आज जो है वो 29 तारीख भी हो गई है और फिर आप लोग कहते हैं कि जी सर बस कर दें, सर बस कर दें, बस कर दें, हम थक चुके हैं। थकने वाला एलिमेंट होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि रियलाइज़ होना चाहिए ना आप लोगों को कि रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा सो उससे ये होगा कि आप लोग फिर जो है वो जो टेस्ट करेंगे उसमें एमसीक्यूज की जो आप कह रहे हैं कि समहाउ नेचर है वो समझ नहीं पाएंगे, तो कैसे जो है आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। फजूल चीज़ों को देखो भाई, फजूल चीज़ें कुछ भी नहीं होती, जाहिर सी बात है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, हर एक चीज़ जो है उसको हमें एलेबोरेट करना होता है, सो हर एक चीज़ को एलेबोरेट करना भी ज़रूरी है, कुछ भी जो है हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी चीज़ हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। सर जी पढ़ाएं प्लीज़, पढ़ा दें, चलें इवनिंग क्लास ले लें, देखो इवनिंग क्लास पे बहुत लेट हो जाएगी, फिर हम आफ्टर 7 o'clock फिर बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग जो है थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं इस चीज़ को, रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारा चूंकि सिलेबस बहुत पड़ा हुआ है तो हम पढ़ लें, तो हम पढ़ लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। सो आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या था, जी नहीं, टेस्ट को भी कैंसिल नहीं हुआ, अभी टेस्ट तो होगा ना, टेस्ट तो होगा, टेस्ट तो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है,
ठीक है, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करें फिर टेस्ट लें, आपको कह रहे हैं। ठीक है भाई, हम पहले टेस्ट जो है चैप्टर कंप्लीट करते हैं फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है। अच्छा, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, और उसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि जो आप लोगों के पास अल्केन है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो वेरिएशन आती है कार्बन एटम्स की, उसकी बेस पर हम कहते हैं कि फिजिकल अपेयरेंस चेंज होती है। देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप जो है अल्केन के अंदर जो क्या कहते हैं चेन लेंथ है, ठीक है, उसको आप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। और जब जो है आप पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं, यानी जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि इंटरेक्शन फोर्सेज जो है वो स्ट्रांग होंगी, और जब इंटरेक्शन फोर्सेज स्ट्रांग होंगी तो हम कहते हैं कि फिजिकल अपेयरेंस चेंज होगी फ्रॉम गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में जो है हमारा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो यहां पर जो है आपने देखना है कि जब हम बात करते हैं अर्ली जो है कार्बन एटम्स की बात करते हैं, यानी कार्बन वन टू कार्बन फोर की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं इन केस ऑफ अल्केन ये गैस होते हैं, ये गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन केस ऑफ कार्बन फाइव टू कार्बन नंबर इवन के 17, ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास कहें दे आर दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, और C17 टू ऑनवर्ड जितने भी आ जाएगा वो हमारे पास क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी फिजिकल अपेयरेंस को आपने जरूर अंडरलाइन करना है। ठीक है, वो क्या है कि C1 to C4 गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, C5 to C17 लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, C17 टू ऑनवर्ड सारे के सारे हमारे पास क्या है सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने जरूर देख लेना है। ठीक है, बाकी जो है अब अगर अल्केन की बात करते हो, सो अल्केन्स आर टोटली नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, टोटली क्या होते हैं हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं, क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं आप लोग आपस में, इतनी जो है आप लोगों ने डिस्कशन अपने एक दूसरे से की हुई है स्टार्ट, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कर क्या रहे हैं आप लोग। वही, अच्छा ठीक है, देखो भाई बात सुनो, इस वक्त आप लोग आपस में डिस्कशन करोगे सो उससे ये होगा कि आप लोग खुद भी डिस्टर्ब होंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। देखो, अगर आप लोग बातें करोगे तो मेरा पढ़ाने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर आपस में डिस्कशन करोगे तो इससे जो है कोई फायदा नहीं होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा पढ़ने का। सो अगर आप लोगों ने डिस्कशन ही करनी है तो आप लोग फिर डिस्कशन ही कर लें, हम फिर यहीं लेक्चर स्टॉप करते हैं। शाम को लेक्चर मुमकिन नहीं होगा, बहुत लेट हो जाएगा। बहुत बुरी बात है वैसे इस तरीके से आप लोग जो है डिस्कशन करते हैं, उससे ये होगा कि हम नहीं कैरी कर पाएंगे। आप लोगों को स्टॉप करना चाहिए मेरे ख्याल से, किसी बात पे आप लोगों का मतलब किसी को भी मतलब आप जो है मतलब मेरी कोई बात जो कही है उसका असर नहीं होता, और जो है ना आप लोग आपस में जो है डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप इस डिस्कशन को स्टॉप करेंगे तो हम पढ़ेंगे, अगर आप लोग डिस्कशन करेंगे तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप लोग स्टॉप नहीं करेंगे ये डिस्कशन तो अल्टीमेटली हमें फिर लेक्चर स्टॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इससे पता है क्या होता है, मतलब इससे ये होता है कि आप लोग खुद भी अपने अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हो, और यही होता है कि फिर जो है अपना भी नुकसान करवाते हो दूसरों का भी नुकसान करवाते हो। सो इस तरह से नहीं करना आपने। ठीक है, सो स्टॉप करें, आप अगर डिस्कशन चाहते हैं कि हम कैरी करें तो स्टॉप कर लें डिस्कशन, डिस्कशन स्टॉप करेंगे तो हम अपनी लेक्चर को कैरी कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह करते हैं कि फिर हम टेस्ट कर लेते हैं, चलो बस टेस्ट कर लो। ठीक है, पेज अपना रिफ्रेश करेंगे, टेस्ट हम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर वापस आएंगे, फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। आप लोग अपना पेज रिफ्रेश करें, पेज अपना रिफ्रेश करें, और उसके बाद फिर जो है ना आप लोगों का टेस्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट हम टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। वहाँ पर
जी सो आप लोगों की स्क्रीन पे इस पर टेस्ट आ चुका है। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो सिंपली करेंगे ये कि जो है अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, एग्जैक्टली वीडियो के नीचे जो है उनको टेस्ट स्टार्ट जो है उसका ऑप्शन मिल जाएगा और वो वहां से अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप लोग जल्दी से टेस्ट करेंगे, टाइम आप लोगों को मैंने आज सफिशिएंट प्रोवाइड किया हुआ है। जिनको टेस्ट शो नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे और वीडियो के एग्जैक्टली नीचे जो है उनको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट के ऑप्शन जो है सो क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश करने के बाद तो आपको टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा, आप कर सकते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे एग्जैक्टली जो है उसके नीचे जो वीडियो मतलब आपको डिस्प्ले हो रही है उसके नीचे जो है स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा और क्रोम को यूज करना है, क्रोम ब्राउजर को आपने यूज करना है। ठीक है, जी तो आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले हो गया होगा।
आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि पेज को रिफ़्रेश करना है। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ़्रेश करेंगे और पेज रिफ़्रेश करने के बाद उनको टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सो 1.5 मिनट ऑलमोस्ट रह चुके हैं, जिसके बाद आप लोगों का ये जो समहाउ टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, सो आप लोगों का जो टेस्ट है वो हो चुका है और इस वक्त रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और समहाउ रिजल्ट्स में 10 से ऊपर कोई नज़र नहीं आ रहा। 10 है, एक मिनाहिल 10 नंबर हैं इनके भी, 10 के हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अब हम अल्केन को कंप्लीट करते हैं। और अल्केन में अब सिर्फ बातें थोड़ी सी रह गई हैं, थोड़ी बहुत बातें ही हमने डिस्कस करनी है अल्केन के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो कुछ चीज़ें वहाँ से आपने बात करनी है, और फिर बाकी ये आपने जो है टेबल में आपके लिए बनाया है, जस्ट आप इसको जो है मेंशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। देखो, हमने अल्केन के हवाले से बात की तो मैंने आपसे कहा कि अल्केन जो हैं, अपने पहले तो मैंने आपको बताया कि इनकी फिजिकल अपेयरेंस C1 to C4 हम कहते हैं गैशियस फॉर्म में होते हैं। C5 to onward अगर हम कहें, ये हमारे पास C17 तक जाते हैं, सो ये हमारे पास लिक्विड होते हैं। C17 to onward हमने कहा कि ये जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जो आपने नोट डाउन करनी है वो ये है कि इनकी सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर नहीं होती। हम कहते हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी जो जो है वो क्या होगी, वो ऑर्गेनिक यानी नॉन पोलर टाइप ऑफ जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। एक चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम जो है इनके जो है नंबर ऑफ कहते हैं कि ब्रांचेस को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, वो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच वन, ठीक है। रीज़न क्या होती है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे इनमें चेन लेंथ लार्जर होगी, पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर होगी, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जब हम कहते हैं कि ब्रांचेस आ जाती हैं, सो ब्रांचेस की वजह से क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी कम होती है, पैकिंग जो है वो लूज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी कम होने की बुनियाद पर इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर अच्छा ये चीज़ आपने यहाँ पर मार्क करनी है जो कि इस वक्त है। हम सिर्फ आज अल्केन करेंगे, अल्कीन और अल्कान को आज हम नहीं छेड़ने लगे, अल्कीन और अल्कान हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ अल्केन कर लें, ठीक है। सिर्फ अल्केन को हम कंप्लीट करके हम कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर को, और कल हम अल्कीन अल्कान की बात करेंगे, और लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ जो है टेस्ट भी डिस्कस करूंगा, जो हमने आज का टेस्ट किया है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब अपने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कुछ पॉइंट आपने जो है मेंशन करने अपने पास, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, जैसे कि हम मेंशन किया है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर उसने एग्जांपल मेंशन की है एन ब्यूटेन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि एन ब्यूटेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो -0., ठीक है जी, 5 है डिग्री सेंटीग्रेड, और आइसोबेटेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जो कि -10.2 है डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया हुआ है। सो ये चीज़ आपने जो है मेंशन करनी है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है जिसमें आपसे कहा कि जैसे जैसे आप जो है चेन लेंथ बढ़ाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो लेंथ है, ठीक है, उसको आप इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है, होता है इंक्रीज करता है। इवन मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक CH2 जो है ग्रुप इंक्रीज करते हो तो एक CH2 ग्रुप जो है वो इंक्रीज करने से 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करता है, इंक्रीज होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने मार्क करनी है, और अब हम आएंगे टुवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ अल्केन, ठीक है। सो उसमें मैंने यहाँ रिएक्शन मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर कैटलिस्ट या कंडीशन जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो, सो ऑक्सीडेशन के लिए जो है आपको फ्लेम रिक्वायर है कंडीशन के तौर पे, और उसमें आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन बनेगा, ठीक है। अगर आप कंबर्शन का प्रोसेस करते हो तो फ्लेम रिक्वायर होता है उसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और की डेवलप होती है। अगर आप कैटलिटिक ऑक्सीडेशन करते हो तो उसके लिए आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉपर जो है वो एज ए कैटलिस्ट रिक्वायर होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें वेरिएशन आती है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप जो है अल्कोहल गेट करते हो, सेकंड में एल्डिहाइड, और थर्ड स्टेप में आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डेवलप कर रहे होते हो, ठीक है जी। और अगर आप नाइट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ जो आप फाइनल प्रोडक्ट गेट करोगे वो आपके पास नाइट्रो अल्केन होगा, यानी मिथाइल नाइट्राइल, मैंने मेंशन किया भाई ये नाइट्रो मीथेन, ठीक है, बेसिक तौर पर ये डेवलप होता है, ठीक है जी। सो इन तमाम चीज़ों को आपने जो है अपने पास मार्क करना है। ये रिएक्शंस हमारे पास हैं जो कि जो है आप जिनमें के जस्ट फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन की कंडीशन जो है आपने
जहन में रखेंगे। फाइनल हमारे पास एक चीज़ रह गई है जिसके बाद हमारा अल्केन का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आज के जो है दिन को खैराबाद कहेंगे, लेक्चर को खैराबाद कहेंगे, जो हमने आज की डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो हम जो है हम बात करेंगे हेलोजिनेशन की और हेलोजिनेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को मेंशन करवाऊंगा, आप लोगों ने लिखने हैं अपने पास, ठीक है जी। हेलोजिनेशन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने अपने पास रखते हैं। एक तो जो है हमारे पास सिलेक्टिविटी ऑर्डर है ना, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजेंस का विद अल्केन, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। F2 जो है हम कहते हैं ये ग्रेटर रिएक्टिविटी कैरी करता है विद एज कम्पेयर टू Cl2, ये ज़्यादा ग्रेटर जो है रिएक्टिविटी कैरी करता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ये ज़्यादा ग्रेटर रिएक्टिविटी कैरी करता है एज कम्पेयर टू I2, ठीक है। सो ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो ये आपने मार्क कर लेना अपने पास, ठीक है। बाकी जो आप लोग रिएक्शंस देख रहे हो उसमें आप H𝛎 देख रहे होते हो कि ये हमारे पास लिखा होता है, ये H𝛎 बेसिक तौर पर लाइट को शो करता है। जब भी आपने हेलोजन रिएक्शंस की बात करनी है सो हेलोजन रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पर क्या होते हैं कि वो लाइट की मौजूदगी के अंदर होते हैं, लाइट फॉल करते हैं तो फिर हमारे पास हेलोजनेशन का प्रोसेस कंप्लीट आउट होता है, ठीक है जी। और इसके थ्रू आप लोग जो कंपाउंड प्रिपेयर करते हो डिपेंड करता है कि आपने जो लाइट फॉल करवानी है उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर आप जो है लाइट फॉल करते हैं तो उसके थ्रू आप क्लोरोबेंजीन भी गेट, क्लोरो जो है क्या कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड गेट कर सकते हो, ठीक है, या आप जो है समहाउ क्लोरोफिल गेट कर सकते हो, या आप सिंपली जो है आप क्या कहते हैं जी सिंपल CH3 जो हमारे पास Cl है, ठीक है, निमिथाइल क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन करते हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब क्या था क्वेश्चन मिनाहिल का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या देता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के थ्रू आप क्या गेट करते हो। नॉइज आ रही है, प्लीज़ चेक नॉइज़ देख लें, भाई नॉइज़ आ रही है। बिल्कुल, हम कल जल्दी स्टार्ट करेंगे, आज मैं फर्दर आप लोगों को नहीं लेके चलूँगा ना आगे जी, ठीक है, आई थिंक हाँ कल हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, कल हम जल्दी स्टार्ट करते हुए अपना जो है टारगेट कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। साउंड आ रहा है, वो देख लिया है, वो कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जस्ट आपके पास यूजेज हैं वो आप यूजेज देख लीजिएगा, ठीक है, यूजेज को आपने जो है जरूर रीड आउट करना है। अल्केन के हम कल अल्कीन और अल्कान करेंगे। अब मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा, जो हमने आज टेस्ट किया है उसको मैं जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ कि उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। सो टेस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा फर्स्ट हमारे पास है सेबेटियस सेंडर, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व्स, वो तो आपको भी बताया था मैंने आज के अल्कीन और H2 गैस जो है वो हम कहते हैं कि होता है, ठीक है, H2 और अल्कीन हमारे पास होता है, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ अल्कीटॉन, अभी मैं आपको जो है मार्क करवाया था कि कीटोन की जो रिडक्शन होती है वो बेसिक तौर पे क्या है कि वो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, ये टूट जाता है और इसके थ्रू हम अल्कीन गेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर जो है इवॉल्व करता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, 4 मतलब वो 5 आ गया, सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ CaO एंड NaOH होता है, ठीक है, CaO और NaOH होता है सोडा लाइम, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, फॉर्म्स। अब यहाँ पर आप देखिएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की आप बात करें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन डिफरेंट होती है, इनकम्प्लीट जो कंबशन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन डिफरेंट होती है, इनकम्प्लीट कंबशन डिफरेंट होती है। अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो उसके थ्रू जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू आप कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप कर रहे होते हो। इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है ना, जो आपने कैटलेटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, सो कैटलेटिक ऑक्सीडेशन में अगर आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हो तो उसके थ्रू मेथनॉल ही बनेगा, उसके थ्रू यही बनेगा। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे आप जो है फॉर्मिक एसिड डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आपको ये देती है, इनकम्प्लीट कंबशन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देती है, जिसको हम कहते हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो इनकम्प्लीट या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड करेगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यही देगी आपको, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर
मिथाइल अल्कोहल सी एच थ्री ओ एच ही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जो है ईज ऑफ हेलोजिनेशन इन द, अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर होता है, यानी ये वाला, ठीक है। अभी मैंने आपको मार्क भी करवाया है, ठीक है, ये होगा। सर सारी केमिस्ट्री आज ही करवानी है, एग्जैक्टली टेस्ट डिस्कस कर ले, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। टेस्ट आप लोग कहते हो फिर डिस्कस नहीं होता, तो वो टेस्ट डिस्कस करना चाहते हैं सर, बस टेस्ट डिस्कशन जो है हमारी हो जाए। अल्कीन, अच्छा कोई और क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं टेस्ट के बारे से, नहीं तो फिर हम आज लेक्चर वाइंड अप करेंगे।